अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। हमारे पास यहाँ पे फाइनली आ गए हैं जॉय रूम के एयरपॉड्स प्रो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ। इन्होंने इसको यहाँ पे नाम दिया है एनालॉग नॉइज़ कैंसिलेशन, पर ये वही है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ। और यहाँ पे आप बॉक्स पे इसमें देख सकते हैं ये न्यूएस्ट वर्जन है, ये सबसे जो है आखिरी वर्जन है जॉय रूम का हमारे पास एयरपॉड्स प्रो का जो इन्होंने बनाया है। और इसमें यहाँ दोस्तों हमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलिंग मिल जाती है और ट्रांसपेरेंसी मोड भी है इसमें, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है दोस्तों, क्योंकि इतनी कम प्राइस में आपको ये फ़ीचर्स मिल जाते हैं एयरपॉड्स प्रो के। तो मैं इसका जो है अभी अनबॉक्सिंग करूँगा और इसकी हम थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी मोड किस तरह का है, और मैं आप लोगों को बताऊँगा फिर कि किस तरह का इसका साउंड है और नॉइज़ कैंसिलेशन किस तरह है। तो दोस्तों ये बॉक्स आपको जिस तरह मैंने पहले भी दिखाया था, पुराना वाला जो एयरपॉड प्रो जो सॉरी जॉय रूम प्रो था, वो सेम वैसे ही इन्होंने बॉक्सिंग इसकी की है पैकेजिंग। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये जॉय रूम है, और हमें एक्स्ट्रा जो मिलते हैं दोस्तों ये हमें ईयर टिप्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी इन्होंने अच्छा सा केस बनाया है इसका, जो कि हमें एप्पल के साथ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे हमें एक केबल भी मिल जाती है इसके अंदर ही, और सिलिकॉन केस हमें मिल जाता है, जो कि इतनी कम प्राइस में दोस्तों इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी अच्छा ये केस है, सिलिकॉन केस भी इस पर काफ़ी अच्छा लगता है लगाया हुआ। तो अभी मैं इसको साइड पर रखता हूँ चीज़ों को इसकी, और हम इस पर देखते हैं कि जिस तरह के मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे मैं फ्रंट पे जॉय रूम का जो है लोगो दिखाई देता है, और बैक साइड पे भी यहाँ पे ये प्रिंटिंग आप देख सकते हैं अगर ये फोकस कर ले तो। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ये बैक साइड पे भी इन्होंने लिखा हुआ है, और फ्रंट पे भी जॉय रूम का है। और ईयरबड्स आप देख सकते हैं पुरानी वाली वीडियो में भी सेम टू सेम इन्होंने वही डिज़ाइन है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं की। बस जो फीचर वाइज इन्होंने चेंजिंग की है वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, ये आपको मतलब इतना अच्छा फीचर मिल जाता है इसमें। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ इसके केस को, तो ये आप देखते हैं फ़ौरन ये पिक करता है, काफ़ी फास्ट इसका है एनिमेशन हमें यहाँ पे मिलती है। फिर इसको बटन को हम प्रेस करेंगे यहाँ पे बैक साइड पे, जब बैक साइड पे हम यहाँ पे होल्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिर कनेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं पहले ये सेटअप होता है कनेक्ट करने का, फिर बाद में आप केस को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों जो है कनेक्ट हो जाते हैं। और हमें एक साउंड मिलता है अगर हम अपने ये कानों में लगाएं तो। तो यहाँ पे दोस्तों फीचर्स अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑफ़ का है हमारे पास तीन ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी मोड, और ये तीनों जो है बिल्कुल असली जो हैं ऑप्शन है, किसी भी दूसरे क्लोन की तरह नहीं है जिसमें फेक ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। तो ये वाकई में इफ़ेक्ट अभी ट्रांसपेरेंसी मोड का आ रहा है, और मैं अपनी एको मुझे सुनाई दे रही है, और मैं मतलब ये जो साइड पर चीज़ें सुन सकता हूँ आसानी से। तो ट्रांसपेरेंसी मोड तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। अभी हम साउंड चेक करते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके। तो इसमें इन ईयर डिटेक्शन भी है दोस्तों, जिस तरह के पुराने वाले वर्जन में भी था, और स्क्वीज़ का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्क्वीज़ करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेशन टाइप इन्होंने साउंड बनाया जैसे ओरिजिनल एयरपॉड्स प्रो में है। और बेस दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है, साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, यानी कि मैं हैरान हूँ सुन के। पुराने वाले वर्जन से डेफिनेटली जो है इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन है 80% के करीब, हम अगर कह लें नॉइज़ कैंसिलेशन, जो कि काफ़ी अमेजिंग है स्टिल। और मैं थोड़ा सा टेस्ट इसको और करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह का इसका जो है साउंड है अगर हम पुराने वाले से कंपेयर करें, जो कि इससे थोड़े से सस्ते हैं, और ये थोड़ा सा महंगा वाला वर्जन है, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी टेस्टिंग करके कि आप लोगों को यही वाला वर्जन ख़रीदना चाहिए। तो फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ ही देर में थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह सुन के। और डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे अगर इसको मैं ऑफ़ करूँ तो एक डिफरेंस मुझे मिलता है, मुझे आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं, और नॉइस कैंसिलेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी मोड भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने बनाया है,
और जो कि मैं हैरान हूँ काफ़ी ज़्यादा कि इन्होंने इतनी कम प्राइस में ये फ़ीचर्स निकल रखे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा ये लगा है। तो 100% दोस्तों ये जो है जॉय रूम का, इन्होंने, मैं लिंक में डाल दूंगा ताकि आप लोग ये बाय कर सकें। और ये सिलिकॉन, ये दूसरा वाला जॉय रूम है जो मेरे पास, जिसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, इसमें तो ये वाला देख सकते हैं आप, पुराना वाला जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। और ये दोस्तों, ये हमें, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो केस हमें साथ मिल जाता है जिसमें ये टिप्स, एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कितना इन्होंने अच्छा है बनाया है। मैग्नेटिक है ये केस इन्होंने बनाया, जो कि मैं एप्पल में भी, यानी मतलब एयरपॉड्स प्रो में भी देखने को नहीं मिलता। तो इसमें आप डिफरेंट ईयर टिप्स जो है यूज़ कर सकते हैं, मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। ये वाला वर्जन डेफिनेटली आप लोग खरीदें, 100% रेकमेंड करता हूँ मैं। इतना अच्छा इसका साउंड है, इतनी अच्छी नॉइज़ कैंसिलेशन है, ट्रांसपेरेंसी मोड भी अच्छा है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, अल्लाह हाफिज़।